जो आपकी जिंदगी में नहीं आपकी शहादत के बाद का वाकया मशहूर है कि आपका सर नेजे पर चढ़ा हुआ है और मस्जिद दमिश्क में कोई आदमी पढ़ता अम खसिबता अन्नास काबिल काफे वर रकीमे कानू मिन आयात अजबा, ये इस्तेमाम इनकारी है। इस्तेमाम इनकारी का कलाम मुस्बत तो मफहूम मनफी होता है। अब खसिबता मतलब फनी उलूम की तैयारी बड़ी जरूरी होती है इस्तेदलाल के लिए। गप्पे मारना आसान है, हाँ ये कहना कि क्या तुमने गुमान कर लिया है, अगर इस्तेमाम इनकारी हो तो ये बदलो, तुम्हारा ये गुमान करना सही नहीं है कि ये हमारी निशानियों में से अजीब तरीन निशानी है। इसकी तफसीर अपने इनकिशाफ में अपनी निकाब कुशाई में इमाम हुसैन के कटे हुए सर का इंतजार कर रही है। दमिश्क की मस्जिद के सामने से जब गुजर हुआ तो पढ़ने वाला पढ़ता अम खसिबता अन्नास काबिल काफे वर रकीबे कानू मिन आयातिना अजबा, इसको लोग कहते हैं इसका सबूत कोई नहीं है, बहकी मेरे पास मौजूद हवाला जात लगे हुए हैं। इमाम दादिन सीयूसी आपकी खसाय से कुबरा इस वक्त मेरे पास मौजूद है, कोई देखना चाहे अब दिखाऊंगा। नूर लब सारफी मनाकब आले बैत नबी अल मुख्तार मेरे पास इस वक्त मौजूद है, देखना चाहे दिखाऊंगा। यानी कटे हुए सर ने बात की। मैं आपसे इंतहा अदब से पूछना चाहूंगा, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के इस वक्त तक कोई आपके पास ऐसा हवाला मौजूद है कि बंदे का सर कट के नेजे पर चढ़ा हुआ हो वहां बातें करे? चंदे खा के शाही बन जाना ये तो आसान है, सर नेदे पर चढ़ा के सैयद बनना ये काम का है। अब ये बात समझने वाली है। जब वहां कुरान मजीद वो पढ़ रहा है तो इमाम हुसैन क्यों कहते हैं, कहते हैं इन्ना आजबा मिन असहाबिल काफे कतली व हमली, के असहाबे काफ के मुकाबले में मेरा कत्ल किया जाना और मेरे सर को नेजे पर चढ़ा देना ये उससे ज्यादा ताजुब खेज बात है। ये कंपैरिजन है जनाब, मुआजना है। अब मुआजना करना है उनसे ज्यादा ताजुब खेज क्यों है? बात समझ आ रही है नहीं आ रही? उनके मुकाबले में ये ज्यादा ताजुब खेज है, क्या क्या वजह है? मुकाबलतन जिस वक्त कोई दो चीजें आपस में किसी क्वालिटी को शेयर न करे कंपैरिजन नहीं हुआ करता, ये कहा जाए ये उससे ज्यादा हसीन है तो हुस्न में दोनों को शरीक मानना पड़ता है। समझ आ रही है बात की नहीं? ये इल्मे बयान का मसला है। ये उससे ज्यादा लंबा है, लंबाई में दोनों को शरीक मानना पड़ता है। ये उससे बड़ा आलिम है, इल्म में दोनों को शरीक मानना पड़ता है। का उनके मुकाबले में ज्यादा ताजुब की बात मेरा, अब देखना मैं माबिल इश्तराक क्या है और माबिल इम्तियाज क्या है। का माबिल इश्तराक क्या है? उनके साथ भी मैं रजाए इलाही के लिए अदावत का होना, अब मेरे साथ भी रजाए इलाही के लिए अदावत का होना, उनके सामने भी डेसियस दकियानूस का और उसकी आर्मी का उनके पीछे पड़ना और मेरे मुकाबले में भी मेरे दुश्मनों का मेरा पीछा करना, ये माबिल इश्तराक है। लेकिन माबिल इम्तियाज क्या है? क्या ज्यादा तजुब की बात यह है कि असहाबे काफ दुश्मनों से भागे थे और मैं अली का बेटा हूं, दुश्मन के दरवाजे पर।